India is a important partner of choice for the United States in a number of spaces, and that includes trade cooperation. It of course includes security cooperation. नमस्कार वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। भारत और अमेरिका के बीच में दोस्ती कैसी है पिछले एक साल को देखेंगे तो जवाब मिल जाएगा। अमेरिका ने अपने स्तर पर बहुत कोशिश की है कि भारत के साथ उसके संबंध काफी बेहतर हों, और समय समय पर आने वाले बयानों के जरिए से ऐसा देखने को मिला कि अमेरिका उस कोशिश को जारी रखे हुए है। खैर, इन सब के बीच में एक बार फिर जब मौका आया, जब भारत के संदर्भ में सवाल अमेरिका से पूछा गया, तो अमेरिकी प्रशासन की तरफ से भारत को लेकर कुछ जरूरी बातें कही गई। अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत की भूमिका का जिक्र करते हैं तो उसे लेकर अमेरिका ने बहुत बड़ी बात कह दी है। क्या बात कही है वो आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी आपके लिए। बिस्तक पर 1 फरवरी को बजट कवरेज में आप जरूर जुड़िएगा। क्या इनकम टैक्स की बेसिक एक्सेप्शन लिमिट 5 लाख तक होगी? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोबो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर, खबर का जिक्र करेंगे और खबर अमेरिका से जुड़ी हुई है। तो बता दें, अमेरिकी प्रशासन ने भारत के एनएसए अजीत डोभाल को लेकर के एक जरूरी बयान दिया, और इस बीच उन्होंने भारत की तारीफ भी की है। भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका के लिए एक मजबूत भागीदार बनकर उभरा है, इसमें व्यापार सहयोग भी शामिल है। इन सब के बीच में इसका समर्थन करते हुए अमेरिकी प्रशासन ने अजीत डोभाल की तारीफ। अमेरिकी विदेश विभाग के उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक बयान में कहा कि भारत कई क्षेत्रों में अमेरिका के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है और इसमें व्यापार सहयोग भी शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका के संबंध निश्चित रूप से हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। My second question, next week the National Security Advisors of India and US are meeting for the first initiative on critical and emerging technologies. I know that's a process that's shepherded by NSC, but given the history of India-US relations where the technology denial has been a part of that past, would you like to speak broadly about the future of technology cooperation between India and US, especially in critical and emerging technologies? What I would say is that India is a important partner of choice for the United States in a number of spaces, and that includes trade cooperation. It of course includes security cooperation. It also includes technological cooperation as well. So I don't want to get too ahead of the process or get ahead of any specific meetings that might be coming down the pike, but this is of course of great importance to us. वेदांत पटेल ने आगे कहा, बेशक इसमें सुरक्षा सहयोग भी शामिल है, इसमें तकनीक भी शामिल है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं इस प्रक्रिया से बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहता हूं। अजीत डोभाल और जैक सुलिवन के बीच 31 जनवरी को मुलाकात होगी। इस दौरान एडवांस टेक्नोलॉजी के अलावा कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। अंतरिक्ष मामलों को लेकर के भी दोनों देशों के बीच में चर्चा हो सकती है। बात अगर दोनों देशों के राष्ट्र सुरक्षा सलाहकारों की करें तो दोनों देशों के बीच आने वाली बैठक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, वो भी ऐसे समय पर जब रक्षा क्षेत्र में भारत रूस के साथ अपनी साझेदारी को बरकरार रखे हुए है। अमेरिका ने भी जिस तरीके से अपनी तरफ से आपत्ति कई रक्षा डील्स को लेकर के नहीं दर्ज की थी, जिसमें S-400 प्रमुख है, उसके बाद से लग रहा है कि अमेरिका भारत को लेकर काफी सॉफ्ट हो गया है। हालांकि अमेरिका की अपेक्षाएं भारत से को लेकर यहीं सीमित नहीं रहती हैं। अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपना रक्षा साझेदारी से जुड़े हुए जो फैसले हैं वो थोड़े अमेरिका को लेकर के, अमेरिका को ध्यान में रख करके ले, और उस लिहाज से अमेरिका के लिए आने वाली बैठक बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल का जिक्र हुआ, जिसे लेकर अमेरिकी विदेश विभाग के उपप्रवक्ता वेदांत पटेल ने यह बात कही। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अमेरिका का दौरा करने वाले हैं। डोभाल यहां अमेरिका में अपने समकक्ष जैक सुलिवन से मुलाकात करेंगे। उधर डोभाल के दौरे से पहले बाइडेन प्रशासन ने यह अहम बयान दे दिया है जो काफी कुछ दर्शा रहा है, और स्पष्ट तौर पर इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत और अमेरिका की कोशिश आगे आने वाले दिनों में अपनी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करने की है। लेकिन इससे एक चीज और साफ होती है, वो ये कि अमेरिका रक्षा क्षेत्र में अब भारत की भागीदारी रूस के मुकाबले ज्यादा चाहता है। आपकी क्या राय है इस बात को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा, हम उसे जरूर पढ़ेंगे। कैसी लगी ये रिपोर्ट, ये भी हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।